Today we will see page number 43 of your My English book 5. तो बच्चों आज हम आपकी किताब का पेज नंबर 43 देखेंगे, जिस पर एक बहुत अच्छी पोएम है जिसका नाम है वन थिंग एट अ टाइम। इसका मतलब होता है एक वक्त में एक काम करना। चलिए सबसे पहले हम इसका मोटिव देख लेते हैं। लिसन, रीड अलाउड, लर्न एंड रिसाइट द पोएम। नज़म सुनिए, बुलंद आवाज़ से पढ़िए, सीखिए और पेश कीजिए। तो ये नज़म आपको पढ़ना है, दोहराना है, याद कर लेना है और पेश करना है, मतलब सुनाना है। चलिए एक मरतबा हम पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। Work while you work, play while you play, to be useful and happy, that is the way. All that you do, do with your might, things done by halves are never done right. All that you do, do with your might, things done by halves are never done right. One thing at a time, and that done well, is a very good rule, as many can tell. One thing at a time, and that done well, is a very good rule, as many can tell. Moment should never be trifled away, so work while you work, and play while you play. Work while you work, and play while you play. Work while you work and play while you play। तो ये जो पोएम है एम ए स्टॉडर्ट ने लिखी हुई पोएम है। तो हम पहले इसको एक मरतबा समझ जाते हैं। वैसे तो जो मोटिव होता है उसी के हिसाब से हमको पढ़ना होता है, लेकिन हम जो है हर जो भी नज़म हो या कहानी हो उसका ट्रांसलेशन हम हमारी उर्दू ज़बान में देख लेते हैं। चलिए, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। वर्क मतलब काम, वाइल यानी जब। जब आप काम करते हैं तब आपको सिर्फ क्या करना चाहिए, सिर्फ काम करना चाहिए। ये यहाँ पर कहानी का मकसद है। कैसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो जब खेलते हैं, खेलने के वक्त क्या करते हैं, उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ आ जाता है, कभी होमवर्क की तरफ आ जाता है। जब होमवर्क करते हैं तब खेलने में ध्यान जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पोएट ये बताना चाह रहा है बच्चों को कि एक वक्त में एक ही काम करो, वन थिंग एट अ टाइम। तो पोएट कह रहे हैं वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। जब आप काम करते हैं काम के वक्त सिर्फ काम कीजिए और खेलने के वक्त सिर्फ कीजिए, खेलिए। To be useful and happy, that is the way. Useful यानी कि कारामद और happy, खुश। कारामद बनने और खुश रहने का that is the way, यही एक रास्ता है। इसी रास्ते से आप खुश भी रहेंगे और कारामद भी रहेंगे। All that you do, do with your might. वो सब आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी काम करते हैं सब काम डू विथ योर माइंड, यानी कि अपने दिल से, अपने दिल से, लगन से आपको वो काम करना चाहिए। थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट, यानी कि हाफ्स यानी कि अधूरे, आधे अधूरे किए हुए काम वो कभी भी सही नहीं हो सकते, उससे कभी भी जो है आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल, एक वक्त में एक काम करना और वो भी काम अच्छे तरीके से, सही तरीके से, सलीके से काम करना, इज अ वेरी गुड रूल, ये बहुत ही उम्दा तरीका है, ये बहुत अच्छा उसूल है। एज मैनी कैन टेल, जो कोई भी आपको बताएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको यही सलाह देंगे, यही मशवरा देंगे,
यही राय देंगे कि आप क्या करें, एक वक्त में एक काम करें, लेकिन वो अच्छे से उम्दा तरीके से करें। मोमेंट शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे, वक्त को आपको कभी भी ज़ाय नहीं करना चाहिए। जो भी लम्हा है, मोमेंट, जो भी वक्त आपके पास है, आप इसको कभी भी ज़ाय नहीं करना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। तो जब आप काम करते हैं तब सिर्फ काम करें, और जब खेलते हैं तब सिर्फ आप क्या करें, खेलें। तो ये बहुत अच्छी एक हमको नज़म यहाँ पर पोयम पढ़ने को मिली।